दोस्तों आपने कई बार सोचा होगा कि 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मैं नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत टेक। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर में क्या अंतर है। मान लो आपके पास एक 32 बिट का कंप्यूटर है और एक 64 बिट प्रोसेसर का कंप्यूटर है। आप दोनों में ही फोटोशॉप चलाना चाहते हैं, मगर आप इसके जो 32 बिट है इसके अंदर आप 64 बिट का फोटोशॉप नहीं चला सकते, मगर जो 32 बिट का है इसके अंदर आप 64 बिट और 32 बिट दोनों फोटोशॉप चला सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपके पास जो 32 बिट प्रोसेसर है उसकी चिप कैपेसिटी इतनी ही है कि वो एक 32 बिट के सॉफ्टवेयर को ही हैंडल कर सकते हैं, उस 64 बिट के सॉफ्टवेयर को हैंडल नहीं कर सकता। यानी कि वो प्रोसेसर इतनी इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकता कि वो 64 बिट प्रोसेसर को हैंडल कर सके। अब 64 बिट और 32 बिट सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? मान लो आपके पास कोई 32 बिट का सॉफ्टवेयर है, उसकी स्पीड जो 64 बिट प्रोसेसर है उससे हल्की होगी, क्योंकि जो 64 बिट का प्रोसेसर है वो एक साथ डबल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, मगर जो 32 बिट का है वो इतनी इन्फॉर्मेशन एक साथ शेयर नहीं कर सकता। इसलिए आपका 64 बिट प्रोसेसर ज़्यादा फास्ट होता है, ये ज़्यादा तेजी से काम करता है। और अब देखते हैं 32 बिट प्रोसेसर में, तो ये उतनी इन्फॉर्मेशन सिर्फ 32 बिट पीएस की स्पीड ही ट्रांसफर कर पाएगा और ये 64 बिट पीएस की इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकता है। ये होती है 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर के बीच में अंतर। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर में क्या अंतर होता है और ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।